भाई बलविंद सिंह जटाणा होना के परिवार का बड़ी बेरहमी के कतल किया गया पुले निहंग के वलों। उस तो बाद बदला लें परिवार की मौत का। मैं पिछे जाना चाहना है सदी का सब तो दरिंदा इंसान, पर जो दे कारनामे सीगे, जो जिस तरीके दे नाल उन्हें मानवता इंसानियत का घाण किया, वो मुगलों को भी मात पा दी। जटाणा जी का जिहड़ा परिवार आ, वह जिस तरीके इन्होंने पहला उन्होंने गोलियां दे नाल भुनिया, उन्होंने विच एक बच्चा हैंडीकैप बच्चा छोटा जिहा एक मनप्रीत बच्ची हैगी भुन के और एक दूजे के उत्ते लाशां सुट के ते उत्ते तेल पा के अग लगा दिती। वह सी बलविंदर सिंह जटाणा। सिर्फ उस बंदे करके एस वाई एल नहर जिहड़ी आ रुकी सी बलविंदर सिंह जटाणा करके, वह अज पता लगा। बड़े इन्होंने करम कुकर्म किए, बंदियां नूं वढ के उन्हां दे टोटे करके उन्हां नूं पानी दे विच उबालना और फिर मछियां दे अगे पाउणा कि इह मछियां दा खाणा। और उस इंसान दा खात्मा परमात्मा ने चलो साढ़े हथों लिया। सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। सिद्धू मूसेवाला दे गीत एस वाई एल दे विच जदों भाई बलविंदर सिंह जटाणा होना का जिक्र किया तो अज हर पासे भाई बलविंदर सिंह जटाणा होना की चर्चा हो रही है। उन्होंने नाम नूं लगातार सर्च किया जा रहा है और जो सर्च करते हैं तो भाई बलविंदर सिंह जटाणा होना के पिछोकड़ का पढ़न नूं मिलता है। तो उस पिछोकड़ दे विच उन्होंने परिवार का वो दुखांत पढ़न नूं मिलता है जिस विच उन्होंने परिवार को पूले निहंग दे वल्लों सरेआम गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। पूला निहंग इस वारदात को अंजाम देने तो कुछ साल बाद जेल जाता है तो फिर जेल के उसनू एक अजिहा सूरमा टक्करदा है जिहड़ा भाई बलविंदर सिंह जटाणा होना दे पूरे परिवार के कतल का बदला लैंदा है। नवतेज सिंह गुगू साढ़े नाल ने, इन्हां दे वल्लों ही पूला निहंग नू सोधा लगाया गया सी और मुख तौर उत्ते उसके माड़े कर्मा की सज़ा के नाल नाल भाई बलविंदर सिंह जटाणा होना दे परिवार के कतल की बदला लिया गया सी। नवतेज सिंह गुगू साढ़े नाल ने भाई जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जिवें जिक्र किया है भाई बलविंदर सिंह जटाणा होना के परिवार का बड़ी बेरहमी के नाल कतल किया गया पूले निहंग के वलों। उस तो बाद बदला लेने परिवार की मौत का। मैं पिछे जाना चाहना है किवें उस चीज़ को तुहाड़े तक समझ आई, पता लगा इस शख्स के वलों अंजाम दिता गया तो फिर तुहाड़ा खून खौलदा। देखो पूला, तो मैं सब तो पहला तो यह कहांगा कि अगर इस सदी का सब तो वैशी, सदी का सब तो दरिंदा इंसान कोई देखा जाए तो वह मैं निहंग, चाहे वह चला गया वा, चलो गए इंसान बारे इदा के लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए, पर जो दे कारनामे सीगे, जो जिस तरीके दे नाल उन्हें मानवता इंसानियत का घाण किया, वह मुगलों भी मात पा दी। मुगलों ने भी इदा के काम नहीं किए। जटाणा जी का जिहड़ा परिवार आ, वो जिस तरीके इन्होंने पहला उन्होंने गोलियां दे नाल भुनिया, उन्होंने विच एक बच्चा हैंडीकैप बच्चा छोटा जिहा एक मनप्रीत बच्ची हैगी भुन के और एक दूजे के उत्ते लाशां सुट के ते उत्ते तेल पा के अग लगा दिती। और कारण की सीगा, कारण जो उस टाइम सानू पता सी, क्योंकि अज कुछ नवीं गल्लां निकल के आ रही ने और मैनू प्राउड फील हो रहा अज कि परमात्मा ने वो सेवा साढ़े हथों ली आ जिस बंदे ने पंजाब का पानी बाहर दिया स्टेटा ते जान तो रोकया, वो सी बलविंदर सिंह जटाणा। सिर्फ उस बंदे करके एस वाई एल नहर जिहड़ी आ रुकी सी बलविंदर सिंह जटाणा करके, वो अज पता लगा और बड़ा प्राउड फील होया कि जिस नौजवान ने पंजाब का पानी मतलब उस टाइम बचाया, वो नहर जिहड़ी सीगी वो अग्गों डक दिती गई इंजीनियर नूं, चलो उहदा सौदा लाउणा पिया मजबूरी, जदों कोई चीज़ रोकनी होए क्योंकि पूरे पंजाब पानी तो बगैर तो पंजाब कुछ भी नहीं। और जिस इंसान ने पंजाब दे पानियां नूं बचाया, नहर रोकी, और उस नौजवान ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਲਾ ਨਿਹੰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਟਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ
उन्हां दीआं फोटोआं देख के और जो जो पूला निहंग करदा रहा, क्योंकि बड़ा कुछ उन्हें किया, तुसीं मैं अपने मूँह मतलब मेरा दिल नहीं करता कहन बोलन नूं इदां दे लफ़्ज़, पर हुण तुहानूं दसना पएगा, तुसीं दसांगा ते लोकां नूं देखो इतिहास भी सामने आना चाहिए। छोटिया छोटिया जोगा सिंह जोगी की पोतरी नूं उठा के लै गए हैं उत्थे गैंग रैप उहदे नाल कीता, गैंग रेप कीता उहदे नाल बेचारी नाल, उहनूं अधमोई होई नूं उत्थों चुक के आंदा, मैंटली वो डिस्टर्ब हो गई ही। और होर बड़िया बड़े इन्होंने कर्म कुकर्म किए, बंदियां नूं वढ के उन्होंने टोटे करके उन्होंने पानी दे विच उबालना और फिर मछियां दे अगे पाउणा कि इह मछियां दा खाणा, बंदा वढ के मान लो जिस बंदे नाल लागडाट आ, और उन्होंने बड़िया लंबिया कहानियां ने। तो वह जदों उहदी जनानी उस बंदे दी गज्जन सिंह ही जिहदे नाल छोटे छोटे टोटे करके उन्हूं पानी च उबालिया, देग च ते मछियां नूं पाता, तो जो गज्जन सिंह की वाइफ आई तो उहदे दो बच्चे ही, वो आए बाबा जी साडा बंदा दे दो, साडा वापस कर दो, और उन्होंने कन्न च लागों किसी ने कहता भी वो मछियां ने भी खा लिया, और वह बेचारे उत्थे ही खत्म, बेचारी बेहोश होकर डिग गई। और इदां दे पाप जिस इंसान ने किते और उस इंसान का खात्मा परमात्मा ने चलो साढ़े हथों लिया, मैं बड़ा अज और सब तो जी अज मेरे मैं सब तो खास गल लगी कि बलविंदर सिंह जटाणा जी का जोड़ा परिवार ही वो जो समेत सैनी की गड्डी थले बंब रखिया, और चलो सैनी तो बच गया ही उदों, पर उदों एक दो बंद की मौत हुई ही, तो सैनी भी फटर हो गया है, और चंडीगढ़ विखे इन्होंने बंब रखिया है समेत सैनी गड्डी के, पी जी आई दे विच सैनी नूं दाखिल कराया ही, और पी जी आई जदों पूला निहंग उहदा पता लैण जांदा ते उत्थे पिंकी कैट एक लुधियाने का पिंकी कैट आ, मतलब वह भी उत्थे सीगा, वो फिर मैनू पिंकी कैट दीआं गल्लां उहदी मैं इंटरव्यू सुनी, उहदे तों पता लगा कि हुण देखो पिंकी कैट जिहड़ा वा वह भी जो मर्जी अज जो मर्जी वह करी जाए, पर जो पाप उन्होंने किए ने, पिंकी कैट ने भी बहुत घिनौने पाप किए हुए ने। हाँ ये पूला निहंग तो पिंकी कैट के कामों कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ, और पिंकी कैट दसदा कि सैनी तो पूला निहंग जो एक दूजे के गल लग के इमोशनल हो जाते हैं, एक दूजे के गल लग के इमोशनल हो जाते हैं, तो सैनी नूं फिर पूला निहंग इमोशनल हो के कहिंदा कि मतलब सैनी सैनी जी 24 घंटे के अंदर अंदर ये बदला लिया जाएगा तुहाडे ते जिहड़ा अटैक होया, ये पिंकी भी कहिंदा वा। और फिर पूला निहंग जदों सैनी दे कमरे चो बाहर निकलता और बाहर पत्रकार खलोते होंदे, पत्रकारां दे विच सरेम कहिंदा, पूला निहंग सरेम पत्रकारां च इह गल कहिंदा वा कि मतलब सैनी ते होए हमले का बदला 24 घंटे के विच लिया जाएगा, और रात ही अपनियां गड्डियां का काफिला पिंड जटाणे वाल नूं पा लैंदे ने, और ये सारी रात लभदे रहिंदे ने, और सवेरे 5 बजे इन्हां नूं उन्हां दा घर लभदा, और 5 बजे ये उन्हां दा घर लभ के ते उत्थे गोलियां चला के उन्हां नूं मार के उन्हां विचारियां नूं, सारा परिवार ही एक बजुर्ग 80-85 सालां दा बजुर्ग, एक दवार की एक और माँ ही, एक मनप्रीत लड़की बच्ची ही, एक हैंडीकैप छोटा जिहा बच्चा ही, उन्हां नूं गोलियां नाल भुन के और उस तों बाद लाशां नूं एक दूजे दे उत्ते सुट के ते पेट्रोल उत्ते सुट के अग ला दी जाती। और जिस दिन एक सब तो वड्डी गल मैं तुहानूं दसांगा, तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे और मैं भी हैरान, मैनूं भी अजे तक ये गल समझ नहीं आई कि जिदन जटाणा जी दे परिवार नूं ये अग लाउंदे ने, अग ला के फूकदे ने, और उदन तरीक सीगी 29 तरीक सीगी जिदन ये जटाणा जी दे परिवार नूं अग लगा के जलाउंदे ने, और जिदन निहंग पूले नूं अग लगदी आ, और उदन भी 29 तरीक सीगी। ये किड्डा इतफाक, परमात्मा ने पुलिस ते मैनूं इंटरोगेट करी जावे कि तुसीं तरीक किद्दां मिलाई आ, तुसीं ऐसे तरीक चुनी आ, वो कुछ अफसर सीगे वो कहण कि यार तूं सानूं सच दस कि आ तरीक नूं ही क्यों मारिया,
इस तरीक नूं इन्हें अग ला के जटाने का परिवार साड़िया सी और ऐसे तरीक नूं तुसीं इहनूं अग लगा के जला दिता, मतलब ये किवें हो सकता वा? मतलब भी तुसीं जरूर कितना कितने को तुहाडा प्लैन आ तुहानूं किसे ने कहा? और मैं उन्होंने वो मैंने बड़ा 5-7 दिन उन्होंने बड़ा इंटेरोगेट किया, पर मैं उन्होंने खीर यही कहा कि भाजी ये कुदरत दा परमात्मा दा खेल आ, ये तरीक अपने आप मिली आ, सानू कोई पता नहीं, असीं तो 2 दिन पहला भी इन्हों मारन गए ही, तो उदों उत्थे सुपरिटेंडेंट का दौरा सी तो वह कैंसल हो गया, तो ये बड़ी हैरानी वाली गल आ। जिस दिन जो फिर तुम प्लैन जेल के करना शुरू कर दिता भी ये अपना इन सौदा लाना वै पूले निहंग किमें प्लैन बनया सीगा, कौन कौन उस प्लैन के शामिल सके, फिर किमें अंजाम किमें दिता, किमें सारा प्रबंध किया? पहला ही देखो मैं पहला भी काफ़ी इंटरव्यू के क्योंकि मैं हूँ तो दस रहा गल कि इतिहास सामने आना चाहिए। हाँ जी मैं अही अंदर से कोई 5-7 यार दोस्त और अं सार ने पहला तो किताब पढ़ी, और जिस किताब के निहंग पूले ने जिन्ने भी पाप किए ही उन्हां दियां फोटोआं ही, बच्चे मारे, बुजुर्ग मारे, जिन्हां लड़कियां नाल रेप किए, परिवारां दे परिवार मारे आ, खानपुर विखे सारा परिवार ही इन्हां ने मार दिता, डंगर वस्से भी मार दिते, मतलब भी इन्नी ज़्यादा दहशत, मतलब एडा कुकर्म किया उत्थे। और वो फोटोआं दे विच इक लेडी ने एक छोटी जी बच्ची चुकी ही, दुध चुंघदी बच्ची, और वो भी गोलियां मारियां ही, और लेडी दी जिहड़ी फोटो सीगी वो फोटो, मतलब वो फोटो च उन्हें अपनी बच्ची वाल नूं ही अपनियां बाहां कीतियां ही, ऐर उसते मरी हुई ने भी जदों कि उन्हें मारिया, और बच्ची दे भी मूँह ते गोली मारती, एड्डी क बच्ची ही छोटी जी दुध चुंघदी, और माँ दे भी मारतियां गोलियां लैन च खिलार के सारा परिवार मारिया ही, और जदों बच्ची ते माँ डिगे और माँ दे मरी हुई दे भी हाथ अपनी बच्ची वाल नूं ही, मतलब वो फोटो ने मैनूं बड़ा भावुक किया, और वो फोटो वेख के ही मेरा जिहड़ा मन ही वो इमोशनल होया कि आ जिहड़ी लेडी आ जदों मरी होएगी, जिहड़ी अपनी बच्ची वाल नूं, मरी ने भी अपनी बच्ची वाल नूं बाहां कीतियां, इन्हें मरदी हुई ने एक किते सवाल ते जरूर किया होएगा ना परमात्मा नूं कि इस बंदे नूं इहदी सज़ा मिलेगी। मैनूं ओह ही गल मतलब मैंने इमोशनल कर गई। किवें प्लैन बनया फिर, किवें बंदोबस्त कीता? फिर ही सब तो पहला तो 222 नंबर का टोका मंगाया, आ जिहड़ा चटकाइयां कोल हुंदा जिहदे नाल बकरे वगैरह वढ़दे आ ना, जेल च मंगवा लिया तुसीं? हाँ, ये बकर मार्केट आ अमृतसर, और बकर मार्केट चों असीं ये टोका मंगाया 222 नंबर टोका, तो साडा प्लैन सीगा भी इहदे दोने हथ जिहड़े आ उह नालों वख कर दित्ते जाण, तो ये जींदा रहे, और इनू जींदे जी इनू अपने जिहड़े ने पाप किए ने उन्हां दा पश्चाताप जिहड़ा ये करे। उस तो बाद उस काम करन वास्ते 5-7 बंदे की लोड़ ही, तो जदों फिर बंदे सारी टीम तैयार ही, मैं टोका अंदर मंगा लिया 222 नंबर, जो टोका मैं उन्हां दे अगे रखिया तो उन्हां चों फिर बंदे थोड़ा जिहा मतलब कि ये कहन लग पे कि भाजी अगर असीं इनू इहदे गुट वढ दिंदे आ तो जींदा रहेगा, तो ये परिवार ही मारदा मगरों लोगों के, तो वेखो एवें कल नूं साडे परिवारां दा नुकसान होऊ, तो वह सारे बंदे जिहड़े वो प्लैन वो जिहड़ा साडा प्लैन सीगा उहदे चों वो निकल गए। उस तो बाद फिर मैं ये सोचा कोई इदां दा प्लैन होए कि जिहदे नाल मैं कल्ला ही मतलब इहनूं मारदा, मतलब फिर अहीं सोचे कि अंदर पिस्टल मंगा लैंदे आ, गोली मार दिंदे आ, चलो वह पिस्टल मंगाउणा थोड़ा औखा सीगा, उहदे लई टाइम थोड़ा ज़्यादा लगना ही। फिर अं की किया कि पेट्रोल मेरे माइंड च आया कि क्यों ना तेल पा के अग लगा दी जाए, फिर मैं डाबर आमला दी सीसी दे विच बाहरों, मतलब मुंडा मनजोत सिंह हीगा, एक अपना रणजीत सिंह जहाज, और इन्हां नाल मैं गलबात की, फिर हरप्रीत सिंह सेरू नूं उन्होंने घल्लिया, तो वह फिर पेट्रोल मैनू दे गए डाबर आमला दी सीसी च, फिर पेट्रोल इन्ना कि हीगा इन्ने के नाल हुण एडा वड्डा बंदा जलाउणा बड़ा औखा। फिर मैं इन्हां नूं मुंडा हरचंद हीगा नाल, एक मुंडा हैप्पी हीगा उत्थों दा अपने अपना जिहड़ा गुरू का जंडियाला, गुरू का जंडियाले दा मुंडा हैप्पी ही, हैप्पी दी मैं ड्यूटी लाई, तो हरचंद दी ड्यूटी लाई कि तुसीं गुरद्वारे जिहड़ा जरनेटर वा वो जो डीजल कढ के लियाओ। फिर ये उस डीजल लैके आए जरनेटर चों,
फिर अं मतलब जरा पेट्रोल तो डीजल ही उन्होंने मिला के एक एक ढक्कन क्ड के उन्होंने मिला के तो कपड़े के नाल उत्ते सुट के अग लगा के वेख्या कि मतलब अग की कि वो जदों पेट्रोल नही डीजल दे विच पाया थोड़ा जहा पाया तो वो मतलब बहुत ही जबरदस्त अग लगी उन्हों तो वह क्वांटिटी वध गई। फिर अं वो पेट्रोल डीजल जोड़ा है वक्रा वक्रा ही रखिया फिलहाल तो जिदन फिर अं उ जाके तो करना है वो फिर साढ़े को स्टील का डोल ही वो स्टील के डोल दे पेट्रोल तो डीजल नू मिक्स कर लिया सारे नू और मिक्स करके और जोड़ा ब्रश हुंदा करन वाला ब्रश ओदे उत्ते मैं रुमाल लेट के और उन्होंने वो डबो के उदी मसाल बना ली। मसाल बना के मैं उन्होंने अग ला के एक हाथ च मैं डोलू एक अं डोलू जोड़ा ही डोलू तो तेल ऐ सुटना है और भी बकायदा तीन दिन रिहर्सल की कि डोलू तो जो बंदे उत्ते तेल सुटना वा तो डोलू नू फड़ना असल च किदा वा उहदा ग्रिप की होना चाहिए अगर उन्होंने अं ऐ फटते हाँ ऐ सुटा कि इधर ना चला जाए। फिर अं दो दिन रिहर्सल की फिर डोलू नू इंज विच नू उंगलां पा के तो फिर वो डोलू जोड़ा उन्हों फटदा सीगा तो फिर वो जोड़ा सीगा वो डोलू च तेल पा लिया तो मैं हरचंद मेरे नाल हरचंद सीगा इन मैं बाहर बूहे च खिलारता मतलब भी कोई बंदा अंदर ना आए तो जे कोई आए भी तो मैनू तू दस दी तो मैं फिर वो मसाल बना के एक हाथ च मैं मसाल फड़ ली फिर वो डोलू वो लैके फिर मैं चला गया अंदर तो अंदर पूला निहंग जिहड़ा सीगा वो बैठा हैगा उन्हें इंग्लिश ट्रिब्यून अखबार फड़ी हैगी तो वाइट कलर की एनक लाई सी वो पढ़ता पिया सीगा अखबार तो नहा के हटिया ही वाल खुले छड़े ही तो वो फिर जदों मैं कोल गया तो मैं उन्होंने कहा भी तू तैयार हो जा आ गया तेरा टाइम उन्हें बस लास्ट मेरे वाल एक बार इदा वेख्या जरूर उन्हें इदा अखबार पढ़ रहे जो मैं इन्नी गल कही उन्हें ए जरूर मेरे वाल एकदम उन्हें ए देखा जो ए देखा तो मैं वो डोलू सुट के रिहर्सल तो पहला की पानी की पानी पा पा के डोलू बच्चे तो वो जो ए मारिया तो नाल ही अग पहले ही बलती पई ही अग ए वो उत्ते सुटती तो अग ना मच गया हाँ वो अग ना मच गया जो फिर मैं बहर वापस आया बहर न तो जो मतलब बहर मुंडा हरचंद खड़ा ही उन्होंने मैं सारा करता मैं अग लग गई वो तो उदों ही दौड़ गया मुंडा वो परले बन्ने दौड़ गया तो मैं जो बहर निकल लगा मैं एक बार मुड़ के जरूर वेख्या भी एक बार वेखा सही मुड़ के भी अग कि लग गई है जो मैं मुड़ के वेख्या वो उदों भी मतलब शांत बैठा ही हाँ मेरे मगरों कितने उठा तो मगरों कोई ज़्यादा उन्हें रौला नहीं पाया मैं एक बंदा चला गया वा भी मैं कह जी वो बड़ा चीकिया चराया वो शांत चुप करके बैठा रहा लगी तो भी फिर वो बाद जो मैं भी निकल गया फिर मगरों कि बहर न आया फिर लोगों ने अग बुझाई उस तो बाद उन्हें सुपरीडेंट न बहुत गालां कड़ियां जेल के सुपरीडेंट न काफ़ी अब्यूस लैंगुएज उन्हें उत्थे वरती कि तू मेरी सिक्योरिटी जिदा क्यों ढिली की तेरी बंदे किदा पहुँच गए मेरे तक चलो ये गल्ला हुई तो इस तरीके दे नाल मतलब चलो पूला जेल दे विच चलो उन्हूं खत्म हुंदा और जदों इन्हूं अग लगदी इन्हूं गुरु नानक होस्पिटल लै जांदे ने गुरु नानक होस्पिटल वाले इन्हूं चंडीगढ़ रैफर कर देंदे ने और चंडीगढ़ 7 बजे इहदी मौत हुंदी सवेरे चंडीगढ़ PGI दे विच 7 बजे 29/8 नूं मौत हुंदी आ जिस जगह ते खलो के पूले निहंग ने कहा ही कि समेत सिंह सैनी तेरा बदला 24 घंटिया च लवेगा पूला निहंग उस जगह ते उस तरीक उस दिन निहंग अजीत सिंह पूला भी अग ना जलिया होया उत्थे आउंदा है और 7 बजे अपने साह जिहड़े ने उहदे उत्ते खत्म हुंदे ने परमात्मा दे रंग वेखो तुसीं कि उस दिन उस तरीक नूं जिदन उहदा परिवार जलाया जांदा और उदन ही पूले नूं अग लगदी है और जिस जगह ते खलो के इहो कह दिंदा कि मैं बदला लवांगा उस होस्पिटल दे विच इसदी मौत हुंदी है अग लग के। ज
ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਇਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹ ਸੌਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕ ਸੇਮ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 29-8 ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਅੱਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਦਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 29-8 ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 29-8 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਟਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆ ਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਾ ਤੇ ਤੇਜ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਲੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਪੂਲਾ ਨਿਹੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਲਨ ਦੇ ਰੋਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਦੀ ਵਿਲਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਵਿਲਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਰੇਪ ਇੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਜਿਪਸੀ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਓਪੋਜਿਟ ਭਜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ ਚ ਖਲਾਰ ਖਲਾਰ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਆ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਦਵਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਾਨਵਤਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗੋਡੇ ਚੂਲੇ ਬਦਲਾਉਣੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਗੈਰਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
और चलो हूँ ही अमृतसर दूजा हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं, पर मैं एक गल इतें जरूर कहांगा सिद्धू मूसेवाल जी उन्होंने एक गल मैं इतने कहांगा कि उन्होंने जी मौत हुई आ वो सरकार की गलती ना हुई। जो शाहरुख खान मुंडा फड़ लिया है दिल्ली पुलिस ने, मैं दिल्ली जी स्पैशल सैल आ दिल्ली का उन्होंने जे हरगोबिंद श्री हरगोबिंद सिंह धालीवाल जड़े ऑफिसर ने, मेरा सलूट आ उन्होंने कि उन्होंने शाहरुख खान फड़िया और उन्होंने इन्हों तलाह की पंजाब पुलिस न कि एक ये बंदा ही फड़िया वा तो सिद्धू मूसेवाला ढवाडे कोई कलाकार आए उन्होंने मारन की ये रैकी करता पाया ही तो ये वड्डिया ए के 47 गन्ना वेख के थोड़ा घबरा गए और ये नहीं कर सके तो तुम चौकस हो जाओ, पर इन्हों सिक्योरिटी जी ही वो वधाने की बजाए इन्होंने वो घटा दी और जिदन सिक्योरिटी घटाई आ उस तो ही दोवें दिन बाद एक इन्ना महान कलाकार इस दुनिया तो चला गया। अजे वो कलम तो बड़ा कुछ निकलना ही, अजे तो सिर्फ वो मच्योर हो रहा है हूँ, वो हौली हौली मतलब वो अपनी वो सोच बदल रही सी और वो बड़ी वड्डी देन जी साडे पंजाब नू पंजाबीयत नू मिलनी सी, पर वो ते नाल मैं भी कहांगा कि जिन्ना मतलब लोगों ने यह पाप किया मैं पाप कहांगा और ये कोई वड्डी कोई कोई बहुत कोई नहीं कि उन्हें बड़ा वड्डा कोई मारका मारिया, एक भोला भाला बच्चा एक माँ का एक आम सॉफ्ट परसन होंगे ने ये गाँव वाले बेचारे ये कि गाड़ियों लड़न भिड़न वाले होंगे ने और एक बड़ा वड्डा उन्हें पाप किया और बहुत ही मतलब मैं घटिया हरकत कहांगा क्योंकि अही जो पूला निहंग वाला केस होया सी पूले निहंग वाले केस चो जो मैं बाहर आया सीगा ते बाहर आके लोग ना बंब पटाके चलाउन लग पे, वो बंब पटाके इदा जो मैं बाहर आया घर के बाहर और बंब पटाके चलाउन लग पे और मैं माइक दे विच स्पैशल उन्होंने कहा कि यार बंब पटाके ना कोई चलाओ और मुंडे हट गए और मैं क्या भी कार नहीं आ कि मैं कोई कड़ा कोई कोई इलैक्शन जित के बाहर आया वा जो कोई एक बंदा जींदे अग लगा के जलाया चाहे कि वह माड़ा ही तो अज चलो कोर्ट ने बरी करता बाहर आ गए हैं पर मेरा भी बंब पटाके ना चलाओ क्योंकि पूला निहंग जड़ा वा वो माँ अजे भी जींदी आ और माँ अज भी जींदी आ और जिस दिन वो माँ को पता लगेगा कि मेरे बच्चे मारन वाले जेडे कातल से वो जिदन बरी भी हो गए उन्होंने सज़ा भी नहीं मिली और बाहर आके तो वो बंब पटाके चला रहे ने लोग तो मेरा बच इन्ना ही माड़ा ही मेरा बच्चा और माँ के दिल में ठेस ना लगे तो जहन च आ गई भी माँ जहन च आ गई भी वो माँ जींदी है वो माँ को ठेस लगेगी और माँ का दिल नहीं दिखाना और यहो जी हाड़ी सोच ही कि चल बंदा माड़ा ही उन्होंने सज़ा देती पर किन्ना वो माँ का ख्याल रखा इदा, पर अजक जे लोग ने दरिंदे इन्हों इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं कि किसी की माँ किसी का प्यो किसी का बच्चा कला कला वो बच्चे के मरण तो बाद माँ का की हाल होएगा कि जुड़ा गुणदी पई ही अपने बच्चे का और कि आते कि अपनी माँ को ही अपना जुड़ा जोड़ा वा वह गुनादा हों और दो घंटे पहला अपन पैलियाँ वाह के आया मतलब कि मिट्टी ना जमीन ना जुड़िया होया एक बच्चा ही और बहुत ही नाइस एक चंगी सोच का मालिक ही नहीं तो एडा वड्डा कलाकार इन्ना फेमस बंदा जो हो जाता गुआढ़ी नहीं सीधे मुँह घूमते पिंड च रेंदे नहीं बड़े बड़िया शहर च फ्लैट लै लेंदे ने पर अपने पिंड ना जुड़िया ही अपनी मिट्टी ना जुड़िया खेती करता ही लोगों नू एक इदा का मैसेज दिता है कि सू भावें जिथे मर्जी पहुँच जाइए पर सू अपने विरसे नाल अपने पंजाब नाल जुड़ के वह कनेडा भी रह सकता ही कैनेडा भी रह सकता सी नवतेज जी गलबात करने बहुत बहुत धन्यवाद और वड्डा पाप बिल्कुल एक बिल्कुल एक वड्डा जिहड़ा घाटा म्यूजिक इंडस्ट्री नू परिवार नू पिया पर अज की जिहड़ी गलबात है वह भाई बलविंदर सिंह जटाणा होना दे परिवार दे
कतल का बदला जिस नौजवान ने लिया सी जो उसके जुबानी तो सुनया कि किसने तरीके उसने जेल दे विच अपनी जान जोखिम च पाया दलेराना रवैये दे नाल पुले निहंग नूं उसका जिहड़ा सौदा लाया जे कानून देखिए तो कानून के मुताबिक फांसी की सज़ा होनी सी पर फिर भी 8 साल तशद्दद जेल दे विच भी कटिया पुलिस का रिमांड भी झलिया पर उस तो बावजूद वो जेल तो बहर आता तो आके समाज सेवा का कार्य आरंभता है और अज पूरे पंजाब दे विच जे गल करां ते नंबर 1 चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाया जा रहा जिथे लखां रुपयां दे ऑपरेशन जिहड़े ने ओह महज हज़ारां दी कीमत दे विच कीते जा रहे ने तां वड्डी इक सेवा अज भी निभा रहे ने और सेवा जिहड़े भाई बलविंदर सिंह जटाणा होणा दे परिवार का बदला लैके कहिंदे मैं ओह भी निभाई है ओह भी मेरे हिस्से आई है अज मैनूं उस गल का फख्र भी महसूस हुंदा है। कैमरामैन रीश दे नाल सुखविंदर सिंह हमदर्द टीवी बटाला।